नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के इस बायोलॉजी सीनियर सेकेंडरी प्रोग्राम में मैं सभी अपने लर्नर्स का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर संगमित्रा सूर्यपाणि, एकेडमिक डिपार्टमेंट, NIOS से। आज मैं अपने स्टूडेंट से, अपने लर्नर्स से जानना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की रिक्वायरमेंट हमारे लिए ज़रूरत है और किस तरीके से हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, कौन बताएगा मेरे को? हाँ मैम, शुड आई टेल? मैम, बिल्कुल बिल्कुल। स्नेहा बोल रहे हो? हाँ जी। अगर प्लांट में किसी चीज की डेफिशिएंसी है तो हम उसे पूरा कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड मिनरल्स टू इट, क्या किस लाइक मिनरल एनरिच्ड सॉइल वगैरह अगर प्रोवाइड किया तो वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। जुबीन, जुबीन आप कैसे बोलोगे, आप कैसे डिफाइन करोगे इस चीज को? और स्पेसिफिक सिम्टम्स लाइक मैन फंक्शनिंग ऑफ पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर प्रोसेस और इंडिकेंस ऑफ ग्रोथ इन अ स्पेसिफिक एरिया थ्रू व्हिच यू कैन डिटरमाइन व्हाट एलिमेंट इज लैकिंग एंड इट्स रीइंट्रोडक्शन टू रिटर्न टू नॉर्मल फंक्शनिंग ग्रोथ इन डेवलपमेंट द प्लांट। वेरी गुड, वेरी गुड स्नेहा, जुबीन आप लोगों ने सही बताया। अब अगर यही बात है कि एब्सेंस ऑफ एनी वन एलिमेंट मे कॉज डिफिशियंसी एंड दैट मतलब फीचर्स वो कैसे आते हैं, सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं प्लांट्स में, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे क्लोरोसिस है, इट इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग इन लीव्स एंड इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड मॉलिब्डेनम। क्लोरोसिस जो मैंने पहले भी बताया कि अगर मैग्नीशियम जो हेल्प करता है, दैट हेल्प्ड इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, अगर वो उसकी कमी है तो दैट विल बी लाइक डेफिशिएंसी विल बी शोन बाय द येलोइंग ऑफ लीव्स। वो लीव्स जो हैं वो येलो हो जाएंगी और जिसके कारण वो आपको साफ पता चलेगा कि इसमें इन एलिमेंट्स की कमी है। अगर हम नेक्रोसिस की बात करें तो नेक्रोसिस मीन्स द डेथ ऑफ टिश्यूज, पर्टिकुलरली लीव टिश्यू, दैट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन इज कॉज्ड ड्यू टू लैक और डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, बोरोन और सल्फर एंड मॉलिब्डेनम। तभी हम जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हम जब हम खेत में पैदावार लगा रहे होते हैं, प्लांट्स लगा रहे होते हैं, पौध लगा रहे होते हैं, तब हम उसकी मेजर जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देते हैं। और बाकी ये जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, हम आइदर उसको फोलियर स्प्रे देते हैं जिसकी वजह से वो उसको वो रिक्वायरमेंट उतनी ही मतलब एक मेजर क्वांटिटी में हम उसको स्प्रे करते हैं, और जिससे कि वो किसी भी तरीके के इंसेक्ट प्रिवेंशन भी होता है उससे, और दूसरा जो ट्रेस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर देते हैं। प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बड्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फोर एंड डिले इन फ्लावरिंग इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम। तो प्रीमेच्योर मतलब कि डेवलपमेंट हुआ, मतलब डेवलप्ड हुई लीव्स और समय से पहले ही वो गिर जाती हैं, और जो कलियां बनती हैं, जो बड्स फॉर्म होते हैं, वो भी डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फोरस की वजह से खराब हो जाता है एंड डिले इन फ्लावरिंग इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम। ये तो बात हुई कि एक चर्चा हमने जो की उसमें हमने बात की कि एक एलिमेंट किस लिए रिक्वायर्ड है, कितना एक न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन क्यों रिक्वायर्ड है हम लोगों को। हम
हमने बात की कि किस तरीके से क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, किस लिए है हम इस क्राइटेरिया में इस एसेंशियल एलिमेंट्स को रखते हैं, उनमें भी वो एसेंशियल एलिमेंट्स मैक्रो एंड माइक्रो लेवल पे हमें कितना क्वांटिटी में देना है, कितनी एब्जॉर्प्शन की जरूरत है उस पर्टिकुलर प्लांट में, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। फिर हमने बात की कि फिर भी अगर ऐसा होता है कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स अगर नहीं है पर्टिकुलर ग्रोथ पीरियड में, अगर हम उसको नहीं देते हैं तो वो क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अगर हम देखें तो देर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक, ट्रोफोस मीन्स फीडर। सो हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रोफोस मीन्स फीडर। तो सेल्फ फीडर यानी कि दे मैन्युफैक्चर देअर ओन फूड बाय ऑटोट्रॉफिक, मतलब लाइक दे सेड This type of nutrition is called as autotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition includes, hetero means others, feeder, heterotrophic plants. So heterotrophic means others, तो फिर saprophytic plants वो further divide होता है parasitic plants में और insectivorous plants में। Saprophytic plants जो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, रॉटेंड वो होता है, तो उनको हम सेप्रोफिटिक प्लांट्स कहते हैं जो डिपेंड्स ऑन दीज डेड ऑर्गेनिक मैटर। पैरासिटिक प्लांट्स वो होते हैं जो अपनी ग्रोथ के लिए किसी और पे आश्रित होते हैं, किसी और पे डिपेंड करते हैं। और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल बाय फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन अदर एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर इट्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स जो होता है दैट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, जैसे सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर A special type of autotrophic plants which grow in nitrogen deficient soils and developed adaptation to trap insect to overcome nitrogen deficiency. अगर ये देखा जाए कि saprophytes, जैसे कि मैंने बताया कि they grow on dead organic matter including animals and plants remains, and parasitic plants जो होते हैं, cuscuta का नाम आपने सुना होगा, that is अमर बेल और अक्ष बेल कहते हैं उसको। ये एक parasitic plant होता है that lacks both chlorophyll and leaves and it is yellow in color and it is climber that attaches itself to the host and it gives out hosteria or the sucker that get attached to the phloem of the host and they न्यूट्रिशन। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं दीज आर प्लांट्स विच आर ऑटोट्रॉफिक बट डेवलप एडेप्टेशन टू ट्रैप इंसेक्ट इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल एंड दे फीड ऑन इंसेक्ट्स। दे आर जनरली फाउंड इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट हैबिटेट्स एंड हेंस टू कंपनसेट द लॉस दे यूज इंसेक्ट एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। अब अगर हमने अभी चर्चा की तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि अभी हमने क्या पढ़ा और व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम, मतलब क्या निकल गया है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर में जितना भी था हमने उसको कवर किया है और जितने भी कंटेंट था उसको कवर किया है। अब मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगी कि आप लोग मुझे ये बताएं कि हमारा क्या सीक्वेंस, एक प्लांट की रिक्वायरमेंट, एक प्लांट का जो प्रोसेस है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोथ इन इन रेलेवेंस ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन किस तरीके से रहता है, तो मुझे कौन बताएगा? प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो फुलफिल होने से वो उसकी वो सर्टेन मिनरल्स आर नीडेड। Is my voice echoing? Huh. We can hear you, Bully. Yes. So there are 110 elements in total. Lekin 17 hai jisko humne established kiya hai, which are considered to be essential for plants.
एंड सॉइलेस के लिए जो है जो दो तरह के नए तरीके हैं वो हाइड्रोपोनिक्स या हाइड्रोपोनिक्स है, जिसके जरिए आप न्यूट्रिएंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो और वो एलिमेंट्स की ग्रोथ विदाउट ऑयल आप प्लांट को दे। जुबिन आप स्टॉप करिए, अब मैं पूछना चाहूंगी कि हमारे साथ लिया भी हैं, वो कुछ बोलना चाहें। लिया डेविड, डेविड बोलना चाहोगे आप? मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि क्लास आप सभी लोगों ने अटेंड की है, तो मैं चाहूंगी कि सभी का इन्वॉल्वमेंट रहे। अगर कोई आप लोग अगर नहीं बताएंगे तो हम आपको और बेहतर तरीके से आगे, मतलब मैं हम आप उस तरीके को और अपनाना चाहेंगे कि जिससे आप लोग और अच्छे से समझ पाए। दिनेश, अशकी, जुबीन कंटिन्यू करिए, आप बताइए। मैम नेक्स्ट है कि क्राइटेरिया फॉर एसेंशियल एलिमेंट्स, और क्राइटेरिया ऐसे हैं जिसमें वो उसकी जरूरत है, अगर वो नहीं रहेगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो नॉर्मली होती वो नहीं हो पाएगी और उनका रिप्लेसमेंट नहीं है, वो रिप्लेस नहीं किया जा सकते, उनकी डिफिशियंसी से जो है पर्टिकुलर सिम्टम्स जो है वो एक्सिबिट होंगे और उसका रीइंट्रोडक्शन अगेन वो जो नॉर्मल फूड की तरफ वापस किया जाएगा। दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू the basis of their required, on the basis of their required amount. So, बिल्कुल. micro या फिर trace elements जो हैं, वो 0.1 milligram per gram, diamond के साथ, example, magnesium, bronze, all that. And the second one is that element, जो 1 milligram per gram of diamond, इसका example, phosphine, hydrogen, and oxygen है. बिल्कुल. और the idea, large number are of soil. And functions are done by these different elements. So nitrogen का function जो है synthesis of biomolecules में है, oxygen का जो function है synthesis of biomolecules के साथ साथ electric protein metabolism में, potassium का जो function potassium का function पर जुबीन जुबीन मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। रजनीश आप कुछ बोलना चाहते हो? रजनीश रितेश स्नेहा आप बोलिए। मैम आई हैव अ डाउट। यस शुड आई आस्क? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछे, बस इस क्लास से रिलेटेड हो और टू द सब्जेक्ट बायोलॉजी। हाँ मैम बायो के लिए एनसीईआरटी देखिए, मैंने वही कहा कि अगर ये जो हम क्लास कर रहे हैं अभी उसी से रिलेटेड प्रश्न होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इस प्रश्नों के उत्तर जो आप मांग रहे हैं अभी, देखिए बायो का जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है दैट इज मोर देन इनफ अभी आपके, आप एनसीईआरटी और उसको कंपैरिजन करना, वो अपने हिसाब से वो बुक्स बहुत अच्छे हैं। ये बुक्स अब ये आप हमारे लर्नर्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल है इसमें। हाँ जी क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ ना, तो इसलिए मैंने पूछा कि एनसीईआरटी एनआईएस के लिए भी इनफ हो करना क्या होगा? मैं समझी नहीं, एनसीईआरटी और एनआईओएस का? एक्चुअली मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो नीट के लिए तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो मैं पूछ रही थी कि एनआईएस के लिए और एनसीईआरटी के लिए तो चलेगा क्या? देखिए एनसीईआरटी और ये जो एनआईओएस की बुक्स हैं, वही बात है कि वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये अपने आप में एक सेल्फ लर्निंग मटेरियल है हमारा, दैट इज टीचर इन प्रिंट अगर मैं आपको कहूँ तो। आप अपनी
मतलब और भी अपना अगर आप चाहते हैं कि और क्लियर करना चाहते हैं और सारी चीजों को पढ़ना चाहते हैं अपने और डाउट्स को, आपको मान लीजिए कोई चीज आप यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं, आप कोई और बुक्स में अगर आपको लगता है कि वो आपको समझ आ पा रही है, तो मेन तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देखिए, ये तो एक अथाह समुद्र है, बुक्स कहीं भी किसी भी रूप में आपको मिलती हैं, जमीन पे पड़ा एक कागज का टुकड़ा भी आपको बहुत कुछ लर्न करा सकता है। तो ये तो एक जो आप कह रहे हो नीट के लिए, ये भी बुक्स बहुत अच्छे हैं, एनसीईआरटी भी अच्छी हैं बुक्स, ऐसा नहीं है, आपको जहां से अच्छी बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है आप वो पढ़िए और अपनी तैयारी करिए। मगर मुझे अभी तो आपसे डाउट है कि जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ और जो मैं अभी आपकी क्लास ले रही हूँ बायोलॉजी सब्जेक्ट पे, तो मैं उसके बारे में आपसे सुनना चाहूंगी, आपको क्या समझ आया, कितना क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, आप मुझे बताएं, अगर आपको कहीं नहीं समझ आया तो वो आप पूछें। मैम पूरी भी सड़ी लगा, अच्छा प्लांट्स। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको समझ आया जो हमने पढ़ाया अभी, क्लियरली समझ में आया, कोई ऐसा डाउट है कि आपको नहीं समझ में आया? नहीं मैम ऐसा तो कुछ नहीं था, सब समझ आ गया मुझे। अच्छा ठीक है, तो इन शॉर्ट आप बताओ कि आपने क्या समझा। मैम टुडे वी स्टडीड अबाउट एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स इन द प्लांट्स। सो एसेंशियल एलिमेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लार्ज एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर वेरी लेस ओके। And after that, we also studied about mode of nutrition in plants, heterotrophic, they prepare their own food and hetero means they can't prepare their own food, they have to put someone else for their survival. उसमें हमने heterotrophic में और पढ़े saprophytic factors and heterotrophic plants. Very good, इसमें किसी दूसरे होस्ट प्लांट पे सर्वाइव करते हैं, पिक्चर प्लांट वगैरह वो इंसेक्ट से न्यूट्रिशन देते, खुद के लिए न्यूट्रिशन देते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स, हाँ काफी नॉइज आ रहा है पीछे से आपके वहां से, किस वजह से आ रहा है, बट बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने बहुत ही इन्वॉल्वमेंट के साथ काफी जुबीन है, स्नेह है, और भी स्टूडेंट है मे बी किसी कारणवश वो हमसे संपर्क जो बाकी स्टूडेंट से नहीं बना पा रहे हूँ, पर बहुत आप सभी लोग किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आगे प्रिपेयर कर रहे होंगे, उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी आपको ज़रूर चाहिए कि अगर आप कोई एग्जाम को देखिए, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं और इसी लक्ष्य के साथ तैयारी करते हैं कि हम ये एग्जाम क्लियर करें इसमें, तो मेरा मानना यह है कि जैसा कि अभी स्नेहा ने बताया कि बुक्स के मामले में कि हम बुक्स के कौन सी बुक्स को प्रेफर करें, तो मैं यही कहना चाहूँगी बुक्स चाहे कोई भी हो, जहाँ से आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सकती है आप वो बुक्स को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करें। हम लोग भी आपके साथ हैं, आपके कुछ डाउट्स हैं आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं और क्लास के दौरान अपने प्रश्नों के जवाब पा सकते हैं, और कहीं आपको लगता है कि और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाना है या क्लियर करना है तो भी आप हमें लिख सकते हैं कि हम इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है VOS के माध्यम से हम सभी एक दूसरे से मतलब इतना इंटरैक्टिव वे में जुड़ रहे हैं और जान सकते हैं कि कोई डाउट्स किसी भी तरीके के डाउट्स अगर हमारे आते हैं तो हम उसको क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप लोग देखें कि
बहुत ही तरीके बहुत ज्यादा अच्छे तरीके होते हैं कि किस तरीके से नीट का एग्जाम या कुछ आप पर्टिकुलर उसमें आप नोट्स तैयार करिए, आप उस नोट्स को किस तरीके से तैयार करते हैं, क्योंकि देखिए इलिस्ट्रेशन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और इलिस्ट्रेशन को क्लियरली अंडरस्टैंड करना, उसके फंक्शन को अंडरस्टैंड करने से आप काफी अच्छे मतलब आंसर लिख सकते हैं, मगर जरूरी ये है कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ आए। इन्हीं शब्दों के साथ और इन्हीं वाक्यों के साथ मैं आपसे अब विदा लेती हूँ और कोशिश करेंगे कि अगले नेक्स्ट क्लास में हम और ज़्यादा कुछ जानने की कोशिश करें और आपके डाउट्स भी हम क्लियर कर पाएं। धन्यवाद।